लगता है ताला चाबी से ही बंद होएगा। मरवाएगी तू, ताला खुला रह गया तो सबकी खुपड़ियां खोल देंगे। अरे अम्मा जी आप दम रखिए, हम कौन जुगाड़ करते हैं। बाबूजी तो ताला चाबी से खोलेंगे, उनको का पता चलेगा कि ताला चाबी से खुला है कि पहले से खुला था। अब आप आराम कीजिए और जाके मालपुआ के बारे में सोचिए, हम मीठा थोड़ा ज्यादा डालेंगे। प्रणाम बजरंगी भाई। अरे आप नमस्कार करके हमको काहे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। वो तो बात भैया है, सब ठीक है, लेकिन एक शिकायत है। आप लोकल गार्जियन है ना सुमेंदर के? जी। आपका ध्यान होता तो आज ये सुनने को नहीं पड़ता। सुनने में आ रहा है कि हमारा नाक कटवा रहा है। ना ना ना, बताइए, आपका ध्यान होता तो नहीं सुनना पड़ता ना। खैर दूसरों के बात पर क्या भरोसा करें, कितना सच है कितना झूठ। पर टेंशन तो आ गया ना खूब बढ़िया। काहे इतना सोच रहे हैं बाबू साहब, अभी तो उम्र है खेलने कूदने की, और ई उम्र में सब ना करेंगे तो कब करेंगे हैं? पर बजरंगी भाई अब की बार हम समुंदर की प्रगति से बहुत खुश हैं। अरे अंग्रेजी धड़ाक धड़ाक बोल रहा है, अब सर्टिफिकेट भी ला ही देगा। समुंदर तुम्हारे पिताजी की वजह से हम संसद तक पहुंचे और इन्हीं की वजह से हम मंत्री भी बने हैं। ये हमको बोल दे तो हम सर के बल खड़ा हो जाए। तो भैया इनका मान रखने के लिए तुमको भी सर्टिफिकेट लाके इनके हाथ में रखना होगा। अब फिर देखना, हम तुम्हारी शादी ऐसी जगह करवाएंगे जिसकी वजह से तुम विधायक बन जाओगे और तुम्हारे पिताजी उत्तर प्रदेश के सीएम। अरे हमारी शादी से दादाजी बनेंगे या सीएम? अरे भैया दादाजी भी बन जाएंगे और सीएम भी, पहले शादी तो हो। बाकी लड़की बहुत अच्छी। अरे हम अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे या आपकी? अरे तुम्हारे पिताजी को भी लड़की बहुत पसंद है। इनकी पसंद से हम आज तक मोजा तो खरीदे नहीं, तो शादी का करेंगे। अरे बबुआ मोजा वो बनियान की बात अलग है। हाँ। अब बाकी लड़की का क्या है, सब लड़की तो एक जैसा होता। हाँ, होता। उसमें थोड़ी कॉटन पोलिस्टर होता है। अच्छा बताओ तुम्हारी पसंद कैसा है? अब भाई बताओ, हम भी तो जाने कि तुम्हारा है। हाँ हाँ बताओ। हमारे लिए एक स्पेशल लड़की हो, जब वो चले तो ऐसा लगे कोई चल रहा, जब वो आए तो ऐसा लगे कोई आया, और जब वो जाए तो ऐसा लगे कि सब कुछ खाली हो गया। बोले तो सब कुछ चुप करा दे। जो किसी से न डरे, जो सुंदर के साथ साथ बहादुर भी, जो इतनी पढ़ी लिखी हो कि किसी को भी पढ़ा दे। बहुत सुंदर बेटा, इधर आओ बैठो। एक बात बताओ, तुम्हें तो पढ़ने में छठी की दूध याद आ जाती है और सपना देख रहे हो पढ़ी लिखी मेहरारू का। ये सांप छुछुंदर का संगम हमारा समझ में नहीं आया। अब आपकी समझदारी हम बढ़ा तो सकते नहीं, जितनी बड़ी है उसमें काम चला लो। अरे आप लोगों ने पूछा कि हमको कैसी लड़की पसंद है तो हमने बता दिया, और हमने भी तो अभी अभी सोचा है कि हमको कैसी लड़की पसंद है। अब ऐसी लड़की समझ में आ रही है जो हमें पसंद आएगी। आप ठीक है बोल रहे थे कि लड़के ने काफी प्रगति किया है, लेकिन रिश्तों का राजनीतिक फायदा क्या होता है इसको समझना बाकी है। कोई बात नहीं, हम है ना, हम समझा देंगे। आए सुमिंदर, तुम लोग
ये हमारे बाबूजी हैं। नमस्ते बाबूजी। हाँ हाँ खुश रहो। कौन दोस्त? आप कमरे तक चलिए, हम कुछ पढ़ाई के बारे में डिस्कस करके आते। हाँ हाँ ठीक है सुविंदर, पढ़ाई में डूबे रहो, हैं पढ़ाई अच्छे से जाओ, हम चले जाएंगे रूम पे। ए यूटर लो भाई, यूटर लो। मिल गया आइटम, अब लेते हैं मजा। साले के पास क्यों बेल अंगूर कुमार, आज अकेले अकेले? तुम्हारी हीरोइन नहीं आई तुम्हारे साथ? बहुत प्यार करते हो ना उससे? अच्छा तो मजनू के मौसा हो है? वो भी करती है, एक ही तरफा निशाना लगा रहे हो। हाँ वो भी करती है, हम दोनों करते हैं। गजब, तो गुदवा लो उसका नाम अपनी कलाई पर, जैसे वो क्या हीरो लोग करते हैं, सफीना विक्टोरिया, ऐसे सरोजनी गुदवा लो। अरे तुम्हारा प्यार भी अमर हो जाएगा। अरे लेकिन अबे आओ ना, अपने प्यार का सबूत दे दो, नाम लिखवा लो सरोजनी का। ये नाम लिखवाने से क्या हो जाएगा? प्यार बढ़ेगा बे, दर्द होता है तभी तो प्यार अमर होता है। हम दोनों को प्यार दिखाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं, प्यार मन में होता है, गोदना में नहीं। अबे मन में तो और भी बहुत कुछ होता है जो हमें पता नहीं लगता है। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हमें कैसे पता भाई? तुम सरोजनी से सचमुच प्यार करते हो या झूठ मूठ का गुब्बारा भरे हुए हो? दिल से चाहते हैं उसे, दिल से चाहते हैं उसे। अबे तो सबूत दे दो, आओ चलो भाई उठाओ इस लंगूर कुमार को, आओ आओ बाइक पार्क करो जल्दी जल्दी, आओ 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 चलो, तुम दिल से चाहते हो ना उसे, चलो। अरे डरो मत, आओ आओ। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कूदूंगा, मुझे डॉक्टर की सुई बर्दाश्त नहीं होती। अरे प्यार करते तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। दिखवाते हैं जलोबे इसके हाथ पे सरोजनी, आज इसके प्रेम को भी अमर कर ही देते हैं। अरे जलोबे चलो बिठा इसको, लंगूर कुमार को बना दो, खोलो बटन यार जल्दी करो। अबे टैटू गूंद रहे तो तुम्हारी जान निकल जाती है। अबे कभी किसी लौंडिया के पीछे खंजर खाना होगा कैसे खाएगा फिर तू? अरे बहादुर है बहुत, खंजर क्या तलवार भी खा लेगा, प्यार जो करता है। चल चल बना भाई तू टाटू बना। अरे अरे सुई से डर लगता है, अरे मुझे नहीं गोदवाना, अरे ये प्यार में सब करने की क्या जरूरत है, अरे छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे यार प्यार की क्या जरूरत है जब शादी कर रहा हूँ उसे, छोड़ो मुझे। ए लिखो पे इसके हाथ पे सरोजनी हिंदी में जल्दी। नहीं नहीं मुझे नहीं गोदवाना, अगर नाम लिखवा के किसी का प्यार साबित होता है तो मैं सरोजनी से प्यार नहीं करता। सुना तुमने, छोड़ो मुझे, मुझे कोई गोदा नहीं गोदवाना, सुना? और ना ही मुझे कोई अपना प्यार अमर करना है, मुझे सिर्फ शादी करनी है, घर बसाना और बच्चे पैदा करने, इसलिए किसी का नाम लिखवा के घूमना नहीं है, सिनेमा नहीं बनाना मुझे अपने प्यार का। बेहद डर गए, अबे इतने से डर से डर गए हैं, इतना भी नहीं कर सकते उसके लिए? छोड़ो भाई लंगूर कुमार को, असली प्रेमी है सा। तो तुम असली प्रेमी बन जाओ ना, कर लो अपना प्रेम अमर, मैं तो उसे शादी करूंगा। जाओ बेटा जाओ, अब दिखाते हैं इस वीडियो को तुम्हारी हीरोइन को कैसे लड़के से प्यार करती है, जो तुम्हारे लायक ही नहीं, अपने आप को बहुत बहादुर समझती है ना, लेकिन बॉयफ्रेंड एक नंबर का डरपोक सा। अब देखो तुम्हारे दिल पर कैसे पहाड़ तोड़ते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना, लेकिन इस नल्ले जैसे इंसान को नहीं समझ पाए, दो कौड़ी के इंसान। तुम तो कैसे, हमारे लिए एक स्पेशल लड़की हो, जब वो चले तो ऐसा लगे कोई चल रहा, जब वो आए तो ऐसा लगे कोई आया। अगर हम तो उस मैडम्बा से बहुत चिढ़ते थे, फिर बजरंगी चाचा क्या हमारी पसंद पूछने पर हमारी आइडल गर्ल में वही क्यों, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा भाई?
मंदिर में भगवान थे पर किसी ने देखा नहीं, और फिर मंदिर में भगवान आए थे और किसी ने देखा नहीं और फिर अरे बेटा गुल्लू थोड़ा धीरे पढ़ो बेटा, पीछे दीदी पढ़ रही है ना, डिस्टर्ब होगा उनको। अरे पापा अगर मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा तो फिर मुझे याद कैसे रहेगा? गोलू रटने से याद नहीं होता है, भूल जाता है, पहले मतलब समझ फिर याद कर। क्या बोला दीदी ने, पहले मतलब समझो फिर याद करो। गुड बॉय। चल गोलू तेरी बहुत पढ़ाई हो गई, पहले दूध रोटी खा ले, अब मुझे फुर्सत कर। हाँ नहीं मैं दूध रोटी नहीं खाऊंगा, आज तो मैं कचौरी ही खाऊंगा। खा ले चुपचाप नहीं तो मैं चली जाऊंगी। पहले मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इन सब की नौटंकियां सहती रहूंगी क्या मैं दिन भर? सर में दर्द हो रहा है इतना मेरा। खा ले जल्दी खा ले। नहीं आज तो मैं कचौरी ही खाऊंगा। अच्छा गोलू मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए कचौरी, ठीक है? अरे नहीं बेटा तुम क्यों बनाओगी, अपनी पढ़ाई का नुकसान करोगी, तुम चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। मामा जी पढ़ाई बाद में कर लूंगी, और वैसे भी कचौरी बनाने में कितना समय लगेगा, मैं ही बना देती हूँ। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बुआ। नमस्ते। फिर आ गए? आओ बैठो। सरोजनी। अरे कुछ भी बात का क्या मतलब होता है, ये हमारी जिंदगी का फैसला है, मुझे इसी वक्त तुम्हारा फैसला चाहिए। कचौड़ी का ना मसाला और बढ़ा लियो, मयंक भी आया खाकर जाएगा। अरे नहीं नहीं बुआ मैं कुछ खाकर नहीं जाऊंगा, मैं बस सरोजनी से बात करने आया हूँ, बात करके चला जाऊंगा। हाय। देखो सरोजनी आज जो तुम पार्क में कह रही थी ना कि जॉब के बाद ही शादी के बारे में कुछ सोच पाओगी, तो ठीक है मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा, हमें जॉब के बाद ही शादी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें अपने हाथ पर मेरे नाम का गोदना गुदवाना होगा, टैटू। टैटू? हाँ इससे मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि जो तुम कह रही हो वही करोगी। मैं तुम्हें रात तक का टाइम देता हूँ, तुम अच्छे से सोच लो मुझे बता देना कल। अरे ये भूखे घोड़े के नाई का टप 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 पैर पटक रहा है, नींद नहीं आ रही है का? हमको जब नींद आएगी ना तो हम सो जाएंगे, आप सोइए आराम से। सुनो अपने बाप जैसा मत बनो बच्चा, उनके नक्शे कदम पे चलेगा ना तो जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएगा। तो आप लीजिए ना जिंदगी का आनंद, किसने मना किया है? परेशान मत कीजिए समझे, और भाषण मत दीजिए हमका, बाबूजी ने हमको घर की रखवाली का जिम्मा दिया है। तो कूदो सांड की तरह से, हम तो सोए जा रहे हैं भाई। अरे यार पता नहीं सपना कब कटल कोरमा और मालपुआ खिलाएगी हमका। प्रमोद तो जम्बो जेट हो गए भाई, सिलेंसर लगाना पड़ेगा। ए बाबूजी, ओ बाबूजी
तो बहुत गहरी नहीं है सोए। अरे जागो प्रभु, अपनी संतान पे थोड़ा रहम खाओ। अरे जगबो, इतनी रात को क्यों जगा दिया? अरे इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि आप सोकम भोपू ज्यादा बजा रहे हो, मानो हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो। एक काम कीजिए, अब आप थोड़ा उठिए और जागिए। ए प्रमोद, चलो भाई थोड़ी नींद मारते हैं, ये बाबूजी जागेंगे, काम भर सो लिया ये। ए सोमेंद्र, चुपचाप सोने दो हमको यार, तंग मत करो, कल ट्रेन में जाना है। छोटा सीट पे हमको नींद नहीं आता है, पूरा रात करवट बदलते रह जाते हैं। एक बार गिर गए थे ना मुगल सराय में, तब से नींद सोने दे आ जाए, सो जाते जा। अरे कल का कोटा आज ही पूरा करोगे क्या यार, हद कर रहे हो। ए सोमेंद्र, बाप है मैं कि बाप तुम, है ये ना कि आके पैर दबाए सेवा करें, प्रवचन दे रहा है, चुपचाप सोने दो, जगाना मत, ठीक है? भाई ये नहीं मानेंगे, इनकी नाक फिर से तूफान मचाएगी, खर खुर ब्राम ब्रूम, बाप रे बाप। इससे तो अच्छा है बाहर चल के बातें करते, चल चल चप्पल पहले चल। नहीं भाई। अरे चलो ना यार, उठो। नहीं भाई। अरे उठो यार, चलो कोशिश करेंगे तो। अरे हम तो जाएगी, मजा आएगा यार, चलो तो सही। यार आलसी इंसान हो यार, बैठो। अरे बैठो ना यार। सुने दे भाई यार, सुबह क्लास के लिए भी जाना है। अबे रुको तो सही, तुम्हें उस हीरोइन की बॉयफ्रेंड की वीडियो दिखाते हैं, मजा आएगा यार। नहीं यार, सोने की कोशिश करूंगा तो सो भी जाऊंगा। एक काम करो, जाओ जाओ अंदर जाओ जाओ। और आटे सुनो, और हमें रात का मजा लेने दो। चाहे तेज तरार हो मगर कुछ तो बात है सरोजनी। जिंदगी के कुरुक्षेत्र प्रेम की शुरुआत एक युद्ध से होती, फर्क इतना है कि इस युद्ध में दोनों ही पराजित होकर एक दूसरे के हो जाते हैं, फिर उन दोनों प्रेमियों की जीत गुनगुनाती है प्रेम का सबसे सुंदर गीत। पुरुष की छुवन बदल देती है स्त्री की भावना, और स्त्री गढ़ती है जिंदगी की नई परिभाषा। क्या क्या लिखते हैं किताबों में, कैसी कैसी कविताएं लिखी जा रही है आजकल। न जाने प्रेम कैसे होता है, पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन इन सवालों से अनजान हूं मैं। क्या हो रहा है मुझे आजकल, ये इन सब रोमांटिक कविताओं का ही असर। मैं कल ही प्रेरणा को ये बकवास बुक वापस कर दूंगी।